होली की छुट्टी के बाद आज फिर से संसद की कार्यवाही शुरू हुई। बजट सत्र 2020 के दूसरे चरण में जारी सदन की कार्यवाही में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। लोकसभा में विपक्ष ने 7 सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाते हुए लोकसभा में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सभापति ने राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सांसदों के रवैये से काफी नाराज है, जिसका नतीजा है कि संसद की कार्यवाही में वह मंगलवार को भी शामिल नहीं हुए। सदन की कार्यवाही कार्यवाहक स्पीकर ने शुरू की। गौरतलब है कि स्पीकर ओम बिरला इससे पहले बुधवार को संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। दिल्ली हिंसा को लेकर सरकार आज यानी 11 मार्च को चर्चा करने के लिए तैयार है। देर शाम 5:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली हिंसा वालों को लेकर विपक्ष के सवालों के जवाब देंगे। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और भाजपा की मीनाक्षी लेखी ने आज लोकसभा में दिल्ली के कुछ हिस्सों में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की मांग की है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली हिंसा और उपचार प्रक्रिया पर नियम 267 के तहत तत्काल चर्चों के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया है। दिल्ली हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में 2 मार्च से ही विपक्ष का हंगामा जारी है, जिसके कारण पिछले 1 हफ्ते से संसद की कार्यवाही ठप पड़ी हुई है। विपक्ष 23 फरवरी से 25 फरवरी के बीच दिल्ली में हुई हिंसा पर चर्चा कराए जाने और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने राज्यसभा में दिल्ली में दंगों प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने और एक स्वतंत्र जांच आयोग गठित करने की जरूरत पर सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने दिल्ली हिंसा और उपचार प्रक्रिया पर नियम 267 के तहत तत्काल चर्चा के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया है। लोकसभा में विपक्ष निलंबित सांसदों को लेकर हंगामा कर सकता है। दरअसल लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस पार्टी के 7 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों द्वारा सदन के भीतर बदतमीजी करने, स्पीकर से कागज छीनने, सांसदों से धक्का मुक्की करने के कारण यह कार्यवाही की है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सांसदों के इस हरकत से इतना नाराज है कि पिछले दिनों हुई सदन की कार्यवाही में शामिल तक नहीं हुए। और गंगवार, आदरणीय सभापति जी, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 1 पर वर्णित विवरण मैं सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री हरदीप सिंह पुरी, सर विद योर परमिशन आई राइज टू ले द पेपर्स लिस्टेड अगेंस्ट माय नेम एट सीरियल नंबर 2 इन टुडेज रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस। श्री कृष्णपाल, माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्य सूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध दस्तावेज, जो कि मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट है, को सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री जी किशन रेड्डी। Honorable Chairman sir, with your kind permission, I raise to lay on the table of the house the papers listed against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Sri Ramdas Atwara ji. Respected Chairman sir, I lay on the table of the house papers listed against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Thank you. Sri Ratanlal Kataria. Manyavar Sabhapati Mahoday, राज्यसभा की आज की कार्य सूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष वर्णित दस्तावेजों की प्रति सभा पटल पर रखता हूं। थैंक यू। मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। सर विद योर काइंड परमिशन आई राइज टू रिपोर्ट दैट द लोकसभा सिटिंग हेल्ड ऑन 6th of March 2020 पास्ड 1 द मिनरल लॉज अमेंडमेंट बिल 2020 एंड The Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2020. I lay a copy each of the said bills on the table. Reports of the Department read Standing Committee, Parliamentary Standing Committee on Commerce, Sri Vijay Sai Reddy, Sri Om Prakash Mahadur, Sri Sushil Kumar Gupta Ji. आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यवाही में मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध विभाग संबंधित वाणिज्य संबंधित स्थायी समिति के 152वां और 153वां प्रतिवेदन अंग्रेजी तथा हिंदी में प्रस्तुत करता हूं। सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, श्री अनुराग सिंह ठाकुर। बिहाफ ऑफ माय सीनियर कोलीग, नो प्लीज, 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 आई राइज टू ले ऑन द टेबल अ स्टेटमेंट इन इंग्लिश एंड हिंदी।
showing the supplementary it demand is not program going on record. 2019-20, sir. Chairman. आप ऐसा करते रहेंगे मैं चुप बैठूं क्या? क्या इतना दिन चलेगा ऐसा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मन में बहुत पीड़ा हो रही है। ये तो हाउस, ये तो हाउस, यू वांट टू डिफाई द चेयर, यू वांट टू चैलेंज द चेयर, आई हैव टू नेम यू। गुलाम जी, व्हाट इज दिस? This is nothing is going on record. Their names has to go on record saying they try to disturb the house. Take note. See, I have to inform members that a letter has been received from Sri Beni Prasad Verma, member, stating due to his health he is unable to attend the sittings of the current 251st session from 2nd March 2020 to 3rd April 2020. He has therefore requested for grant of leave of absence from 2nd March 2020 to 3rd April 2020 during the current 251st session of the Rajya Sabha. Does he have the permission of the House to remain absent from 2nd March to 3rd April 2020 during the current session of the Rajya Sabha? Yes, yes. Permission to remain absent is granted. Honourable members, as we have earlier discussed, and also received a notice from the Director of the Opposition and others about the need to provide relief to right affected people and families in Delhi, and also ask for an inquiry commission. I wanted to have the discussion today because the Lok Sabha also is taking up discussion of Home Ministry there. We will have the discussion in the first hour tomorrow morning about this, and members have to be ready. And was there on the Kerala media? Lifted, that has been done. Please. And we sir, give, we give, we give notice also, sir. No, no. Without, without your. Please, please. This is not going on record. Unnecessarily, why are you wasting time? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.